हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सामक की खिचड़ी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंस्टेंटली बन जाती है, फटाफट से बन के तैयार हो जाती है, हमें कुछ भी भिगो कर नहीं रखना होता। दूसरा, ये खाने में इतनी टेस्टी होती है कि अगर आपने व्रत रखा है तो आप इसे बना ही सकते हैं, लेकिन अगर आपने व्रत ना भी रखा हो तो भी आप इसे बनाकर खाएं, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए इस टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले हमें चाहिए सामक के चावल, इसे सामक भी बोलते हैं, जो कि व्रत में खाए जाते हैं। तो इन्हें हम अच्छे से साफ कर लेंगे। तो ये मैंने आधा कप लिए हैं। इसके अलावा हमें चाहिए एक टमाटर, तो एक मैंने मीडियम साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है ये एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ और एक आलू। इसके अलावा हमें चाहिए सिंगदाना, तो एक कच्ची मूंगफली है। इसके अलावा मैंने लिया है थोड़ा सा घी। हमें चाहिए सेंधा नमक, काली मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा जीरा। अब हम एक कढ़ाई में डाल देंगे घी, तो ये मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है। जो सामक की खिचड़ी होती है वो देसी घी के साथ बेस्ट टेस्ट देती है, तो आप कोशिश करें कि इसको आप घी के साथ ही बनाएं। अब हम घी को मेल्ट होने देंगे, फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे ये मूंगफली, तो 1/4 कप के लगभग मैंने मूंगफली ले ली है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ्लेम को हमें बहुत हाई नहीं करना है, अगर हम इसको बहुत हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे और इनका टेस्ट बिगड़ जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये देखिए, जब इनका छिलका अलग होने लगेगा, आप देख सकते हैं कुछ मूंगफली का जो छिलका है वो अपने आप अलग होने लगा है, तो इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। हम इनको निकाल लेंगे। अब जो ये कढ़ाई में बचा हुआ घी है, इसमें हम डाल देंगे ये अदरक, तो 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक चॉप कर लिया था वो इसमें ऐड कर दिया है। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, तो 1 छोटे साइज की हरी मिर्ची को बारीक चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इन्हें आधे से 1 मिनट तक पकने देंगे। फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम रखना है। फ्रेंड्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर लिए हैं उसमें से जो भी चीज़ आप व्रत में ना खाते हो उसको आप स्किप कर सकते हैं। सामक की खिचड़ी की सबसे अच्छी बात यही है कि ये फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें ना ही कुछ पहले से भिगो के रखना होता है और ना ही हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, तो ये मैंने एक कच्चे आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। आलू को 2 मिनट तक पका लेंगे और फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। अब इसे भी लगातार चलाते हुए पकने देंगे, तो टमाटर को भी हमें 2 से 3 मिनट तक पका लेना है ताकि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक, तो 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें सेंधा नमक ऐड कर दिया है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसी के साथ इसमें डाल देंगे काली मिर्ची पाउडर, तो 1/3 चम्मच के लगभग मैंने इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया। हमने हरी मिर्ची भी डाली थी तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मिर्ची हमें यहाँ पर नहीं डालनी है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें सामक ऐड कर देंगे। तो हम खिचड़ी कढ़ाई में बना रहे हैं, कुकर में नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए पहले सामक को थोड़ी देर ऐसे ही पका लेते हैं, बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए सामक को ऐसे ही पकने देंगे और फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे। आधा कप सामक के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। 4 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए सामक चावल कितने अच्छे से फूल गए हैं। यहाँ पर हम एक बार आलू को चेक करके देख सकते हैं, जो आलू है वो सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अगर आपको लगे कि आलू भी सॉफ्ट नहीं है तो आप इसको 1 से 2 मिनट तक और पकने दें। अब जो हमने मूंगफली को फ्राई करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। ये खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं या सिंपल दही के साथ भी खा सकते हैं। व्रत में खाने वाले अलग अलग रायते की रेसिपीज हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर आप चाहें तो उसे आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मूंगफली डालने के बाद हम इसको ढक देंगे और 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। 1 मिनट के बाद खिचड़ी बनके तैयार है। अब हम इस पे तड़का लगाएंगे, तो तड़के के लिए एक पैन में डाल दिया मैंने 1 चम्मच घी। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे ये 1 चुटकी भर हींग। अगर आप व्रत में हींग ना खाते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता, इसे स्प्लेटर होने देंगे। इसी के साथ डाल देंगे ये 1/2 छोटी चम्मच जीरा, इसे भी स्प्लेटर होने देंगे। इसी के साथ इसमें डाल देंगे ये बिल्कुल छोटी सी 2 हरी मिर्ची, थोड़े बड़े साइज़ की हो तो आप सिर्फ 1 हरी मिर्ची ले लें।
अब हम इन सभी चीज़ों को चटकने देंगे और फिर इस तड़के को खिचड़ी के ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस फटाफट बनने वाली खिचड़ी बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर से बना के ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।